कोई बात नहीं, अपन जिंदा है अभी भी। और कुत्ते भी आ गए, बहुत सही यार। नहीं 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 नहीं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये चैनल पे हॉरर गेम्स खेलूंगा, क्योंकि यार मेरा एक्शन गेम्स के प्रति लगाव बहुत ज्यादा है। मैं एक्शन गेम्स खेलना ही प्रेफर करता हूँ। मैं हॉरर गेम्स क्यों नहीं खेलता, एक तो मेरी फटती है, दूसरी मेरी बहुत गंदी फटती है। तो यार मैं हॉरर गेम्स खेल ही नहीं सकता, मेरे को बहुत बेचैनी होती है अंदर से, और फिर यार मजा नहीं आता है मुझे। लेकिन जब ये गेम मैंने देखा भाई, इसका ट्रेलर देखा मैंने और गेम देखी, यार ये हॉरर तो है लेकिन इतना रिलैक्सिंग गेम है ना। और तुम्हें पता है मुझे रिलैक्सिंग गेम्स बहुत पसंद है। और सेकंड बात, ये गेम मुझे फ्री में मिली है एपिक गेम स्टोर पे, अभी ये 5 सितंबर तक फ्री है। तो यार फ्री कंटेंट हम छोड़ते नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हर गेम हम खरीद ले। तो फ्री गेम है तो मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। मैंने जस्ट स्टार्टिंग का थोड़ा खेला ताकि मुझे इसके कंट्रोल्स पता चल जाए, और ये कीबोर्ड और माउस से मैं नहीं खेल सकता यार, ये गेम पूरा कचरा फील होता है, इसलिए मैं PS4 के कंट्रोलर से खेलने वाला हूँ ये गेम। तो यार देखते हैं कैसे जाता है गेम इनसाइड। और इसकी स्टोरी यार बहुत सारे जनों को समझी नहीं है, तो देखते हैं अपन समझ पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें नरेशन नहीं है, सिर्फ फ्लो होते जाती है स्टोरी, मतलब बोल इसमें डायलॉग्स है ही नहीं है गेम में। तो यार देखते हैं कैसे जाता है गेम। तो यार बिना किसी देरी के लेट्स डू दिस। तो प्ले डेड्स इनसाइड, तो इसके डेवलपर का नाम प्ले डेड है। और ये जो तुम लड़का देख रहे हो, ये पूरा स्टोरी में अपना साथ रहने वाला है। हम ये कैरेक्टर हैं जो भाग रहा है स्क्रीन पे अभी। और जितने देर मैंने ये गेम एक्चुअल में 5-6 मिनट खेला है, और मुझे स्टोरी कुछ समझ नहीं आई है। इसकी स्टोरी समझना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि हमें पता नहीं यार ये बच्चा ये फॉरेस्ट में आया कैसे, इसकी बैक स्टोरी कुछ नहीं पता है हमें। तो सबसे पहले तुम्हें मैं कंट्रोल्स बता देता हूँ। मैं आगे पीछे मूव हो सकता हूँ, मैं जंप मार सकता हूँ, और मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ चीज़ों के साथ, और वो इंटरेक्शन तो मैं अभी बताऊंगा। मैं मतलब मैं मूव कर सकता हूँ चीज़ें आगे पीछे, और फेंक सकता हूँ चीज़ें बस। तो जितना मेरे हिसाब से दिमाग चलता है, ये जो बंदे देख रहे हो तुम, इनसे बच के रहना है हमें। और ये बंदा अपने आप स्टेल्थ मोड में भी आ जाता है जब ऐसे बंदे पास में होते हैं। यार ऐसे हॉरर गेम्स में खेल सकता हूँ जिसमें खतरनाक वाले जंप स्केयर्स ना हो, और मैकेनिक्स बहुत सिंपल हो गेम के। तो ये बंदों ने शायद देख लिया मुझे। यार ये कितने अजीब बंदे यार, तुम आगे जाके देखोगे ना ये गेम बहुत गंदा वाला अजीब हो जाता है। मैं सच बताऊँ मैंने 15 मिनट ये गेम खेला, क्योंकि यार ये इतना सही लग रहा था ना मुझे, मैं फ्लो में खेलता गया। फिर याद आया अरे यार मेरे को वीडियोज़ बनानी है, मैं क्यों खेल रहा हूँ। तो अपन ऐसे धक्का मार सकते हैं चीज़ों को, और अपना रास्ता बनाते हुए जाना है हमें। ओके, इस गेम में डॉग्स भी हैं जिनसे मुझे बहुत गंदा डर लगता है रियल लाइफ में भी। ओके, तो अपन यहाँ पे नहीं चढ़ सकते, अपने को ये ब्लॉक लेके ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। अरे यार वो कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, मेरी गंदी वाली फट जाती है यार कुत्तों से, खासकर जब वो पीछे पड़ते हैं मेरे। ओके, अपन शांति से मूव होंगे यहाँ पे, क्योंकि इन लोग टॉर्च लेके खड़े हुए हैं और मुझे डिटेक्ट नहीं होना है। अरे नहीं यार ये कुत्ता क्यों हो गया यहाँ पे, भाग ले भाई। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। अरे भाई जस्ट बचे अपन। यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसा गेम, ऐसे कोई पीछे पड़ता है ना यार मेरी हालत खराब हो जाती है, खासकर वो एक जानवर हो तो। यार सच में बोलना पड़ेगा यार, बहुत सही दिख रहा है ये गेम, भले 2D है, मतलब 2D नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ 3D है ये, पर यार बहुत सही है ये गेम। अरे इन्होंने देख लिया शायद मुझे, अपन यहाँ पे छुप जाएंगे नीचे। There you go, इनको पास होने देते हैं फिर अपन निकलते हैं। यार देखो रूल सिंपल है, हमें डिटेक्ट नहीं होना है बस, और भागते जाना है, स्टोरी अपने आप बढ़ते जाएगी आगे। और ये बंदा रुक गया यहाँ पे,
यार ये क्या सही दिख रहा है फॉग ओके, उसने देख लिया मुझे। भाग ले भाई भाग ले, एक नंबर, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। भागो भागो भागो, मैं कैसे बच रहा हूँ भाई, एक नंबर। ओह उसके पास गन है, कोई बात नहीं अपन जिंदा है अभी भी, और कुत्ते भी आ गए, बहुत सही यार। नहीं 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 नहीं, अरे एक नंबर बचे अपन अभी, बहुत सही तरीके से बचे। ओके तो इन लोग लाइट लेके खड़े, अपन थोड़ा सा नीचे से जाएंगे, उनको क्या लगता है अपन बुद्धू हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अपने को भी आता है कैसे एक सिचुएशन को हैंडल करना है। मेरे मन में सवाल क्या है यार, इन लोग हैं कौन और इस खतरनाक जगह पे कर क्या रहे हैं, और मैं यहाँ पे कैसे आया, मेरे को वो जानना है सिर्फ। और यार ये क्या जगह है यार, जानवर मरे पड़े हैं यहाँ पे, कुछ तो सीरियसली गलत हुआ है यहाँ पे, एंड आई होप अपन उसे सॉल्व भी कर दें। अरे भाई गिरने वाले थे अभी, झाड़ियों में से कोई आ ना जाए यार, मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कोई नहीं आएगा, नहीं तो अब तक आ जाना चाहिए था। ए वो वाइट वाइट क्या है, येलो येलो क्या है, अरे मेरे दोस्त लोग, अच्छा ये कुछ नहीं करेंगे मुझे, वाओ यार तो ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे, बहुत सही। अरे और एक छोटू आ गया, मैंने उठा नहीं सकता, नहीं तो और सही मज़ा आता था, उठा के फेंकता था मैं, फिर रिटर्न आ जाते थे मेरे पास। भाई ढेर पड़ा है मरे जानवरों का, वो आ जाओ दोस्त लोग, तो अपन रस्सी भी चढ़ सकते हैं। ओके लीवर खींच के देखते हैं। ओके मुझे शायद ये मोटर ऑन करना पड़ेगा। ओके तो शायद अब भी, ओ तो वो तुम लोग बॉक्स देख रहे हो ऊपर राइट हैंड साइड में, उसको गिराना है अपन ने। और ये ओके मैं समझ गया, तो वो बॉक्स नीचे गिरेगा तो तभी अपन ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यहाँ से मुझे कुछ तो पास करना पड़ेगा जो जाके वो बॉक्स को लगे और वो बॉक्स गिर जाए नीचे, और मेरे छोटे दोस्त लोग शायद यहाँ पे काम में आएंगे, तो उनके लिए ज़रा मैं दरवाज़ा खोल दूँ, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं है जो मैं फेंक सकता हूँ। तो छोटू लोगों को अंदर बुला लेते अपन, और इन लोगों को कैसे कंट्रोल करना है मुझे पता है। अरे आ जाओ मेरे भाई लोग, कहाँ पे हो यार, ये कितने क्यूट है यार, उनको यहाँ पे बुला लेते हैं ताकि अपन फटाफट वो रॉड तक पहुँचे। एक नंबर, देयर यू गो, थैंक यू यार बहुत मदद की तुम लोगों ने, तो इन्हें आखिरी बार बाय बोल दो क्योंकि अपन शायद नहीं मिलेंगे इनसे। ओके हेलो, ये चलो कोई काम तो आए जानवर। वाओ यार तुम्हें कभी कभी बहुत बोरिंग लगता रहेगा, ये बंदा बार बार ही वाओ यार क्यों बोलता है,
क्योंकि ये गेम ही वैसा है। अरे भाई ये इसका कीड़ा घुस गया क्या पिछवाड़े में इसके? भाई भाग लो यहाँ से। अरे भाई ये क्या हो गया? अरे यार यार मैं कोई बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं डर जाता हूँ यार बहुत। ओ ये बंदे ने मेरे लिए दरवाज़ा बना दिया, इतना भी बुरा नहीं है यार ये बंदा। नहीं यार नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अपन राइट में भागते रहते हैं ये। अरे भाई इसका कीड़ा निकालो पहले, बावड़ा हो गया है कीड़े की वजह से। ये क्या है? ओके अपन शायद उसको पकड़ के ऊपर जा सकते हैं। अब ये शायद बंदा शांत हो गया रहेगा, वो कीड़ा इसको तंग कर रहा था। तो ये इसको यहाँ ले आते हैं और अपन वो रस्सी पकड़ सकते हैं शायद। ओ ओके, तो मैं अभी वो पीछे वाले बंदे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और अभी शायद इसे खींचना है अपन ने। यार ये बहुत सही है, अपन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे पता नहीं ये कौन से लोग हैं जिनको हम ये डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यार ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है। तो थैंक यू सब लोग जिन लोगों ने मदद की मेरी ये रास्ता बनाने में। ये अरे मुझे लगा वो लैम्प को पकड़ लेगा ये। शायद अपन इसे उठा सकते हैं। भाई बंदे में दम है। ये हम बाहर आ गए फिर से और सनलाइट देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपन स्टार्ट से अंधेरे में से घूम रहे थे, अब थोड़ा रोशनी आया तो अच्छा लगा। तो मुझे और एक सवाल आया है, अपन जा कहाँ पे रहे हैं और ये जो बंदे पीछे देख रहे हो ये है कौन और ये ऐसे मरे हुए जैसे क्यों खड़े हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई होप आगे सब समझ जाएगा अपने को। ओके तो वो शायद चेन नीचे आ जाएगी एक नंबर और अभी अपन उसको पकड़ के चढ़ लेंगे ऊपर। मेरा फ्रेम रेट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है पता नहीं। देयर यू गो। ये अपने पे ना गिर जाए यार। ओके ये लीवर खींच के देख लेते क्या होता है। ओ उसको धक्का दे देते अपन ताकि एक एंगल पे आ जाए और अपन जंप मार पाए एक नंबर। और अभी इसको ऊपर कर देंगे अपन। यार इतने इजी पजल नहीं दिया करो यार मेरे को, थोड़े टफ मिल जाते तो और मज़ा आता। धक्का देके साइड हो लेना है, गिरेंगे तो पक्का मरेंगे। ये और बच गए अपन और रास्ता भी मिल गया अपने को। अब सिर्फ नीचे जाना है। ओके और एक लीवर। दरवाज़ा तो खुल गया। अरे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को शायद। ये हैट फिर से दिख गई अपने को। देयर यू गो। कोई है भी क्या? ओ तो यहाँ पे दो स्विचेस देख रहे हो तुम। ओके ईजी। सिर्फ वो कुत्ते ना आ जाए फिर से।
मेरे को सिर्फ उनसे डर लगता है अभी, बाकी तो ये गेम बहुत सुंदर है और बहुत रिलैक्सिंग है। और ये गेम में तुमने नोटिस किया इसमें कोई साउंड ट्रैक भी नहीं है, सिर्फ एनवायरनमेंट की आवाज़ है, वो भी तुम्हारे फुटस्टेप्स की है सिर्फ। ओवरऑल अच्छा गेम है, अगर मुझे ख़रीदना होता तो मैं ज़रूर ख़रीदता ये गेम, लेकिन मेरे को फ्री में मिल गया तो यार कोई शॉट ही नहीं है। और ये लोग ऐसे चले जा रहे हैं नीचे जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। अरे यार नहीं, भाग लो भाई। आई होप किसी ने सुना नहीं रहेगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज्यादा आवाज कर दी थी। पकड़ ले भाई इसको, अपन इनके पास ही जा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं बंदे, पेट आगे मुंह नीचे करके चले जा रहे हैं सिर्फ। भाई अपन अपने रास्ते जाएंगे, इन लोग से कुछ नाता ही नहीं है अपना। एक नंबर, यार यहाँ पे लोग क्यों मरे पड़े हैं? अपन उठा सकते हैं शायद इसको, लेकिन यार पावर चाहिए होगी ना इसे। ओ समझा, वो स्विच ऑन करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। अरे यार ये एक्टिवेट हो गए और बिना पावर के अपन जा नहीं सकते, तो अपने को शायद इनको पावर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डिटेक्ट हो गए तो क्या करता है देखते हैं ना। और टीज़र मार दिया ये बंदे ने मेरे को, सीधा टीज़र पेल दिया पेट में मेरे। तो यार डिटेक्ट होने पे ये होगा, तो अपने को ये खंबे की शैडो के अंदर ही रहना है। और ये शैडो भी मूव करती है अगर तुमने ध्यान से देखा रहेगा तो। बच गए भाई, नसीब अपन ने दरवाज़ा खोल लिया, नहीं तो अपने को यहाँ पे आके खोलना पड़ता पहले, फिर छुपना पड़ता, फिर खोलना पड़ता पूरा, समझ रहे हो ना यार तुम। हाँ बहुत सही है यार ये गेम अब तक।